आज मेरे साथ हैं मियाँ रिजवान साहब, तो ये जॉब करते हैं तो इनके पास टाइम लिमिटेड होता है, इनके पास 25-30 मिनट है। हमने इनको वो वर्कआउट करवाना है कि फॉर एग्जांपल आज इनका बैक का वर्कआउट है, तो हमने किस तरह इनका वर्कआउट कंप्लीट करना 25 मिनट में। तो मियाँ रिजवान साहब पहले करेंगे चिन अप, वाइड ग्रिप हो जाएगी चिन अप, उसके बाद क्लोज ग्रिप पुल डाउन करनी है, उसके बाद इन्होंने वाइड ग्रिप प्रो करनी है, बटरफ्लाई बैक पे करनी है, रियर डेल्ट जिसे कहते हैं सीटी रो करनी है। तो ये पांच एक्सरसाइज जो ना इनके पांच मसल ग्रुप जो बैक के हैं ना उनको कवर कर लेगी। चलें आई मीन मार्शल वेरी गुड मार्शल वेरी गुड शाबाश। 12 रैप्स कोशिश करें, कोशिश किया करें कि मिनिमम 12 रैप्स करें, चाहे चिन अप करें, पुल डाउन करें, कुछ भी करें, मिनिमम जो है ना 12 रैप्स। ये अब चिन अप के बाद इन्होंने पुल डाउन करनी है क्लोज ग्रिप। चलें ये सब शाबाश ठीक हो गया। इसके भी ये 15 रैप्स रेपिटेशन इजी कर सकते हैं ठीक है। मॉडरेट जब भी आप सुपर सेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, लिमिटेड टाइम में ज़्यादा वर्कआउट करना है, तो सारा बॉडी पांच मसल जो बैक के हैं उनको आपने कवर करना है। तो हमने देखना है कि वेट कितना, वेट मॉडरेट रखना है। वर्कआउट आपका डेफिनेटली इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी पे चला जाएगा जब आपका वेट होगा मॉडरेट और 30 सेकंड्स का रेस्ट है। ये करेंगे 15 रेपिटेशन करने के बाद आपने राइट में इस मशीन पे आ जाना है, राइट ग्रिप प्रो पे। हाँ जी ये सब आ जाए, इस पर दो नंबर कम करने के नीचे कर सकते वेट है, वाइड ग्रिप प्रो है। आप इधर से देखेंगे कि ये कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि इनका चेस्ट का ये शोल्डर का हो रहा है, इनका बैक का है ठीक है। हालांकि इन्होंने हुड पहनना है, शर्ट पहननी है, तो फिर भी आपको मसल का वर्कआउट नज़र आ रहा है। कौन ही अपने मार्शल बिल्कुल इनका एंगल मार्शल बहुत अच्छा जा रहा है, शोल्डर एल्बो हैंड्स ये तीन चीज़ें जो है ना एक सीक्वेंस में एक ही लेवल में हो, एक ही एंगल में हो, तो ये परफेक्ट इनका बैक का वर्कआउट हो रहा है। यानी कि यहाँ देखेंगे आप अगर साइड से आएँ, साइड से आगे देखेंगे तो ये देखिए जब यहाँ आते हैं तो इनका ये एल मुकम्मल हो जाता है। तो बेसिक फिटनेस में कोशिश करनी चाहिए कि एल जो है ना आपका कंप्लीट हो। ये साथ इनके लगे हैं पैड है, पैड के साथ करने का मकसद है कि आपकी पैक सेफ है ठीक है ना, आप इंजरी का चांस नहीं है। मेरे पास जितनी इक्विपमेंट है वो सब के जो बैक पे उसके पे फ्रंट पे पैड है, जो चेस्ट की उनके बैक पे पैड है। अब ये करेंगे रियर डेड, अब ये देखिए मेरे पास कुछ अच्छा ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनको पता है कि एंगल कहाँ रखना है। जितना आपका एंगल ऊपर होगा उतना ये शोल्डर ब्रेड वाइड होगा। और यहाँ पाकिस्तान में जो लोग मेन मिस्टेक्स करते हैं वो यही होता है कि इनका वो सीट ज़्यादा ऊंची होती है ठीक है, तो ये शोल्डर पे नहीं आती, वो ये इसका एंगल ऐसे आ जाता है 75-85 पे आ जाता है, हालांकि 90 पे होना चाहिए मेरे ख्याल में। और ये देखिए अब इनको आपका वर्कआउट बैक पे नज़र आएगा, शोल्डर एल्बो हैंड्स ये क्लाइंट इनके सारे एक सीक्वेंस में आ रहे हैं। चल अब भाई ये लो रो, हमारे पास वो अपर रो हाई रो है, ये लो रो का काम करती है, सीटी रो भी कहते हैं और क्लोज ग्रिप सीटी रो। इसमें आप देखेंगे कि माशाल्लाह इनका वर्कआउट, आप इधर आके इधर आ, आप यहाँ देखेंगे इनका बैक पे माशाल्लाह पूरा वर्कआउट है, स्क्वीज़ कर रहे हैं माशाल्लाह, स्क्वीज़ पूरा करें ठीक है माशाल्लाह, स्क्वीज़ करेंगे तो मसल की मैक्सिमम ग्रोथ होगी। ये देखें ये बैक है, ये पूरी शोल्डर से लेके यहाँ तक इनके बैक वर्कआउट कर रही है। तो काम तो यही है कि अगर हाई रो लो रो कर रहे हैं तो हमने देखना है कि इनको किस तरह करवानी है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम हम ग्रोथ मसल ग्रोथ कर सकें। तो आप देखें माशाल्लाह इनकी स्पीड बहुत अच्छी है, बहुत कंट्रोल स्पीड में कर रहे हैं, राइट रेंज ऑफ मोशन है,
कॉन्ट्रैक्शन भी बिल्कुल सही है, एंगल भी माशाल्लाह इनका देखे सही है, और पूरा मैक्सिमम स्क्वीज़ करते हैं और ऑल द वे जाने देते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के साथ ये जाएगा। देखिए यहाँ से लेके शोल्डर से लेके इनके बैली लोअर स्पाइनल कॉर्ड तक इनका जो बैक का मसल है वो स्ट्रेच हो रहा है। ये इसी तरह इसी सीक्वेंस के साथ तीन तीन सेट करने हैं। जब आप हाई इंटेंसिटी मॉडरेट वेट पे लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट ट्राई करनी है तो आपने तीन तीन सेट करने हैं, वाइड ग्रिप पुल डाउन, क्लोज ग्रिप पुल डाउन, और वाइड ग्रिप रोप, बटरफ्लाई बैक प्रेस, सीटेड रोप, ये पांच मसल ग्रुप का या आपने ये तीन सेट इसी तरह तीन दफ़ा ये सर्कल करना है। इसे सर्कल ट्रेनिंग भी कह सकते हैं और इसे सुपर सेट ट्रेनिंग भी कह सकते हैं। और इसमें आपका जो कुछ लोग कहते हैं सर्दी है हम आ नहीं सकते, मेरे पास टाइम नहीं है, आजकल धुंध वगैरह ज़्यादा, तो उनको कहते हैं कि अर्ली आ जाएं, 25 मिनट का आपका ट्रेन वर्कआउट है, ट्रेन करके अपनी बॉडी को अपने मसल को गिरने ना दें, उसको होल्ड करके रखना है। तो जैसे मौसम ज़रा खुलेगा तो हम उसके फिर रूटीन में वर्कआउट कर लेंगे। तो आज जिस तरह मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं जितने मेरे जिम के मेंबर हैं उनको फ्री ऑफ चार्ज गाइड करता हूँ, वर्कआउट प्लान में देता हूँ, डाइट प्लान भी देता हूँ। तो हमारा जो लोकेशन है न्यू मसल जिम हॉकी स्टेडियम मदीना टाउन फैसलाबाद है। आप मैक्सिमम रिजल्ट के लिए, मसल ग्रोथ के लिए, शेप अप के लिए, अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, वेट लॉस के लिए, आप हमारे जिम न्यू मसल जिम फैसलाबाद में तशरीफ़ लाएँ।